गांधी शहादत के 75वें वर्ष के अवसर पर संकल्प यात्रा का आयोजन राजधानी पटना में किया गया। राजधानी पटना के शहीद स्मारक से आज यहाँ संकल्प मार्च का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोक परिषद और इप्टा पटना की ओर से किया गया है, जिसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। शहीद स्मारक से निकली हुई यह संकल्प यात्रा गांधी मूर्ति गांधी मैदान में जाकर एक जनसभा में समापन होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शांति, एकता, बंधुत्व एवं मानव अधिकारों की रक्षा। अरे सेना तू ठान लाल रैया हो, कौने सहर सेना तू कैला पर चार हो, कौने सहर सेना तू कैला पर चार हो, दिल्ली शहर से ना तो ठान लाल रैया हो, दिल्ली शहर से ना तो ठान लाल रैया हो, पटना शहर से ना तो कैला पर चार हो, कैला पर चार हो, एक गोली मारलाना तू दुई गोली मारले हो, एक गोली मारलाना तू दुई गोली मारला हो, तेसरे गोली मारला बापू के शरीर बाहो। मार्च को आरंभ करेंगे। हाँ, ये आप लोग आइएगा। आपका नाम मैं भूल गया हूँ। ये बलवीर जगजीवन सिंह। हाँ, मेरी बात को भी किया जगजीवन सिंह जी। सब लोग आए और यहाँ पे हम सब लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे ये कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग हम लोग काफी समय लग जाएगा। अभी हम लोग सब लोग सामने खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर जो लोग फूल चढ़ाए वो सब लोग सामने खड़े हो जाएं। अरशद अजमल जी कहाँ है? अरशद जी जाइए। अरशद जी सब लोग चढ़ाने के बाद ये सामने में खड़े हो जाएंगे। थोड़ा देश के लिए हम लोग उनको भी लोक परिषद पटना और इप्टा पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गांधी शहादत के 75 वर्ष के अवसर पर आयोजित संकल्प मार्च में मोहनदास करमचंद गांधी के परपौत्र तुषार गांधी, वरिष्ठ पत्रकार रजनी बख्शी, जागृति राही, श्याम रजक बिहार सरकार मंत्री, रुपेश जी, तनवीर अख्तर एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता साथ ही साथ भाषण यहाँ पे देंगे और संकल्प हम लोग का है। तो तुषार जी कार्यक्रम में बच्चों को हिस्सा लिया।
नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत मुबारक के सुबह आप आए यहाँ और इस तरह से इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। सब लोग कह रहे हैं कि एक साल का कार्यक्रम हमने आज से शुरू करना है। कार्यक्रम जरूर शुरू करना है, लेकिन वो एक साल तक सीमित नहीं रखना है। जब तक हम हमारे रचनाकारों के सपनों का भारत वापस नहीं बना देते हैं और उसको महफूज नहीं कर देते हैं, नफरत की आंधी को मिटा नहीं देते, तब तक हमें कार्यरत रहने की शपथ लेनी है और तब तक हमारा ये काम अविरत चलता रहना चाहिए, ये संकल्प। इप्टा पटना के सदस्यों ने प्रेम और एकता के गीतों को गाते हुए संकल्प मार्च में भाग लिया। रंजन कुमार अमृत ने पटना बिहार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।